मथुरा में दिखा आग का तांडव, ये बड़ी खबर मथुरा से है जहां आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जयंत गांव के पास लगी भीषण आग। सिंचाई विभाग के पाइप के गोदाम में लगी आग। आपको बता दें कि मथुरा में भीषण आग लगी है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मथुरा में दिखा आग का तांडव। जयंत गांव के पास लगी भीषण आग। आपको बता दें कि मथुरा में आग का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां पर भीषण आग लगी है। सिंचाई विभाग के पाइप के गोदाम में आग लगी है। ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी देखने को मिल रही है। ये थाना जैत क्षेत्र में जैत गांव है, उसके पास ही हाईवे से सटे हुए क्षेत्र में एक आग लगी है। ये एक गोडाउन बताया जा रहा है जहां पाइप्स रखी हुई थी। किन कारणों से आग लगी है अभी क्लियर नहीं है। आग को बुझाने का अभी लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई सारे फायर टेंडर इसमें लग रहे हैं। दो फायर टेंडर अभी मौके पर हैं और भी फायर टेंडर आ रहे हैं। टैंकर्स भी मंगवाए गए हैं जनपद के विभिन्न हिस्सों से, क्योंकि आग काफ़ी बड़ी है। यहाँ मथुरा रिफाइनरी से भी हमारी बात हुई है, वहाँ से भी एक्सपर्ट और फायर टेंडर्स आ रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी इस आग पे हम लोग काबू पाएँ। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की सूचना नहीं है, प्लस आसपास के मकानों से भी लोगों से अपील करके वहाँ से खाली कराया गया है, जिससे सर्वप्रथम जो हमारा प्रथम प्रायोरिटी है कि किसी तरह की जान का नुकसान ना हो, कोई व्यक्ति इसमें ना फंसा रहे, बाकी डैमेज मिनिमम हो और आग पे जल्दी काबू पाया जाए, इसके लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सवारी छोड़कर आ रही प्राइवेट बस में लगी भीषण आग, ये बड़ी खबर जालौन से है जहां सवारी छोड़कर आ रही बस में आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर अपनी जान बचाई है। बस का फ्यूल पंप फटने से यह हादसा हुआ। आपको बता दें जालौन में सवारी छोड़कर आ रही बस में आग लग गई। माधवगढ़ थाना क्षेत्र महोनी गांव के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सवारी छोड़कर आ रही प्राइवेट बस में आग लग गई, जिसके बाद कंडक्टर ने कूद कर अपनी जान बचाई है। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर जान बचाई, ये बड़ी खबर जालौन से है जहां बस में भीषण आग लग गई है। बस का फ्यूल पंप फटने से ये हादसा हुआ है। शराब के ठेके पर लूट की वारदात, ये बड़ी खबर बुलंदशहर से है जहां शराब के ठेके पर लूट की वारदात हुई। तमंचे के बल पर 1,07,000 की लूट हुई है। बदमाशों ने सेल्समैन को भी तमंचे की बट पर मारा है। सेल्समैनों के 3 मोबाइल भी लूट ले गए हैं बदमाश। आपको बता दें जहां पर सेल्समैन को बंदूक के बट से मारा है। एसपी देहात सीओ सहित पहासू थाना पुलिस मौके पर मौजूद। बुलंदशहर से बड़ी खबर, शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बंदूक की नोक पर 7,000 1,00,000 की लूट की गई है। आपको बता दें कि बंदूक के बट से वहां पर लोगों को मारा गया। बदमाशों ने सेल्समैन को भी तमंचे की बट से मारा है। दुकानों की और 1,07,000 रुपए कैंटीन वाले के मेरे। अच्छा, ये चोट कैसे आई है आपका? सर बट मारी है। तो कितने लोगों को चोट मारी है? 2 लोगों को। अच्छा, दूसरे की हालत कैसी है? दूसरी हालत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टाके आए हैं, ज़्यादा चोट है उसको। अच्छा, थाने में तहरीर दी है? हाँ जी, तहरीर दी है। तो कितने बजे की घटना है ये? पहासू क्षेत्र में एक अटेना रोड पर अंग्रेजी शराब एवं देसी शराब का ठेका है। यहाँ से सूचना मिली कि करीब 10 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोगों ने आकर ठेके के जो सेल्समैन हैं इनके साथ मारपीट एवं कुछ पैसे छीनने की घटना संज्ञान में आई है, जिसको तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है तथा इसमें 3 टीमों का गठन कर इसका शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। इसमें SOG एवं क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें लगी हुई है, शीघ्र ही घटना का। गाली देने पर किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार, ये बड़ी खबर बुलंदशहर से है जहां गाली देने पर कत्ल हो गया है। 23 अप्रैल को विपिन उर्फ शंकर का मिला था शव। जांच के आधार पर गांव के भूपेंद्र को गिरफ्तार किया गया, ये बड़ी खबर है जहां गाली देने पर एक युवक का
हत्या कर दी गई। सिकंदराबाद पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार किया है। गाली देने पर किया गया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां गाली देने पर एक आरोपी को गिरफ्तार। 23 अप्रैल को विपिन उर्फ शंकर का शव मिला। जांच के आधार पर गांव के भूपेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। सिकंदराबाद पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार किया। गर्भवती महिला की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत। ये बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां गर्भवती महिला की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान महिला की हुई जिला अस्पताल में मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से बड़ी खबर, गर्भवती महिला की अचानक तबियत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला की मौत हो गई अस्पताल में, जिसके बाद उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाज के दौरान महिला की जिला अस्पताल में मौत हुई थी। गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा हुआ। ये बड़ी खबर जालौन से है, जहां गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ को पकड़ लिया है। जाल डाल कर मगरमच्छ को ग्रामीणों ने काबू में कर लिया है। डकोर ब्लॉक के एयर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर जालौन से है, जहां ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।